त्रिपुरा में बाढ़ और लगातार बारिश के कारण बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कुछ लोग पहले ही इस निरंतर बारिश में अपनी जान गंवा चुके हैं, जैसा कि खबरों में बताया गया है। खूपो 24 डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल में सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आज हम यहाँ इस खबर में त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ के बारे में बात करेंगे। डीएम गोमती की ओर से इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि डंबूर डैम पर चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी का जलस्तर वर्तमान स्तर से अधिक हो सकता है। डंबूर जल विद्युत परियोजना डैम से पानी छोड़ना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पानी की मात्रा महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गई है, जिससे टीपीजीएल को कुछ पानी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। संबंधित सभी नागरिकों और राज्य के निचले जिलों से तुरंत सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। त्रिपुरा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी है। इस अलर्ट के बाद स्थानीय पुलिस ने पूरे इलाके में अलर्ट रहने की घोषणा की है, क्योंकि डंबूर का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। और त्रिपुरा से एक और खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि आज 20/08/2024 को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण एक ही परिवार के 3 सदस्य बारिश में सो रहे थे और अचानक भूस्खलन हो गया। ये घटना शांति बाजार देवीपुर गांव टोईमई खोपरा में हुई, जिसमें त्रिशांकु चकमा, रंजनी चकमा और उनकी 12 वर्षीय बेटी विनिता चकमा की इस खतरनाक भूस्खलन में मौत हो गई। एक और खबर सिलचारा के नए ब्रू पुनर्वास गांव ग्रोनांगा परा से है। एक महिला जिसका नाम मावी, आयु 52 वर्ष है, वह शौचालय गई थी और अचानक भूस्खलन हुआ और उसने अपनी जान गंवा दी। गांव के लोगों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इस खतरनाक घटना में अपनी जान गंवा बैठी। और एक और चौंकाने वाली खबर है कि एक युवा लड़का जिसका नाम नीरज देव बारमा है, उसकी मौत हो गई और उसका शव भूस्खलन के अंदर से बरामद हुआ। अभी कई लोग घायल हैं और अस्पताल में भर्ती है। टोईसा रांगजाक में माँ और बेटा भूस्खलन के शिकार के रूप में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। त्रिपुरा के विभिन्न हिस्सों से कई खबरें आ रही हैं। डीएम गोमती ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि तारीख 20/08/2024 डब्ल्यूआर सब डिवीजन नंबर आई उदयपुर में गोमती नदी के जलस्तर के बारे में जानकारी दी गई है। बेड लेवल 16 ब्लोर मीटर बाढ़ स्तर, 20 तान मीटर संकट स्तर, 21 साइबर मीटर खतरनाक स्तर, 21.50 मीटर अत्यधिक खतरनाक स्तर, 22 वैदूर मीटर वर्तमान स्तर, 21.77 मीटर, समय 21:03 बजे। और एक अन्य पोस्ट में कहा गया है कि गोमती जिले में चल रहे लापता संबंधित स्थिति के कारण किसी भी लाइन विभाग के अधिकारियों के लिए कोई स्टेशन अवकाश नहीं है। अब कई परिवार बेघर हो गए हैं, लोग आंसुओं से भरे रो रहे हैं। खूपो 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर हमें फॉलो करना नहीं भूलें। त्रिपुरा से ताजा खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर 7/8/8/8/9 पूरी जानकारी के साथ हमारे वीडियो को देखने के लिए। Bye,
Ya. Ana şimdi zaten mahkum.